नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बैटरी को लेकर है जिसे IIT मद्रास ने डेवलप किया है। और ये बैटरी दुनिया की पहली आयरन आयन से बनी हुई बैटरी है जो कि एक अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इस बैटरी को डेवलप किया है IIT मद्रास के रिसर्च टीम ने। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये बैटरी जो भी आजकल चल रहे हैं लिथियम आयन बैटरी, उनका एक अच्छा खासा चीपर रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। और इस बैटरी को बनाने के लिए इसके जो एनोड है उसको कार्बन स्टील के बनाए गए हैं, वहीं पे जो इसका कैथोड है उसको वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से बनाया गया है। और इस टेक्नोलॉजी पे इससे पहले जो काम हुए हैं उनमें एनोड यूज हुआ करते थे, प्योरली आयरन से बना के यूज किया जाता था और इसीलिए वो एक सूटेबल पावर देने में सक्षम नहीं थे पहले। लेकिन अब वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के कैथोड के साथ एक लार्जर गैप की वजह से ये जो आयरन आयन है इनका जो मूवमेंट है वो फ्लुएंट हो पाएगा। और इस बैटरी को बनाने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है वो आयरन क्लोरेट के यूज किए गए हैं जिसे IIT मद्रास ने डेवलप किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी आयरन बैटरीज होंगी ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है और स्लाइटली बेटर स्टोरेज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू जो भी आपके प्रीवियस लिथियम आयन बैटरीज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैटरीज वाटर एलिमेंट का यूज करने जा रहे हैं जिससे कि ये फायर पकड़ने को लेके उतना वल्नरेबल नहीं होगा। वहीं पे इसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट की मात्रा है वो ना के बराबर है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। और इस तरह की बैटरी किसी भी तरह का कोई भी डेंड्राइट्स फॉर्म नहीं करते हैं जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। वहीं पे इसी बारे में बात करते हुए इस पे काम कर रहे टीम का ऐसा मानना है कि जो आयरन आयन की रेडॉक्स पोटेंशियल है वो लिथियम आयन से बेहतर है। और वहीं पे जो इसका रेडियस है आयरन आयन Fe2 का वो ऑलमोस्ट सेम है लिथियम आयन के कंपेयर में। और आयरन की ये जो दो प्रॉपर्टी है इस पे ज्यादा काम नहीं किया गया है और यही रीजन है कि अब तक ऐसी कोई रिचार्जेबल बैटरी बनाई नहीं गई। और इस टीम का मानना यह है कि इनकी ये जो बैटरी है ये मल्टीपल चार्ज साइकिल को बेयर करने में सक्षम है, रिटेन करने में सक्षम है। लेकिन अभी जो ये फिलहाल बैटरी बनाई गई है जो कि एक बेसिक डिजाइन है और ये बैटरी तकरीबन 150 साइकिल को रिटेन करने में सक्षम है जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों इंक्लूडेड है इसमें। और अभी फिलहाल ये जो बैटरी है ये तकरीबन 220 पर किलो जो कि अराउंड 55-60% लिथियम आयन के कंपेयर में है। तो अगर आप बात करते हो कि इस तरह के आयरन आयन बैटरी क्यों खास है तो मैं आप सबको बता दूं, इस दुनिया में तकरीबन 40,000 टन जो लिथियम है वो प्रोड्यूस होता है पर ईयर, वहीं पे जो आयरन है वो 2 बिलियन टन के अराउंड प्रोड्यूस होता है पर ईयर। तो इस चीज को देखते हुए कि आयरन की एक अपार संभावनाएं हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है इस तरह की बैटरी बनाकर एनर्जी को और चीपर किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की बैटरी में एक जो मेजर डिसएडवांटेज देखा जाता है वो इसका वेट देखा जाता है। जो इसका वेट होता है इस तरह की बैटरीज का वो काफी हैवी होता है क्योंकि जो भी लिथियम आयन बैटरी होती है वो जितना पावर दे रही है उतने ही पावर के लिए इस तरह की जो बैटरियां होती है आयरन आयन की बैटरियां वो थोड़ी हैवी होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इसके वेट को लेके IIT मद्रास का क्या कहना है। अगर उसको लेके कुछ अपडेट आएगा तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा वो। लेकिन इस तरह की जो बैटरीज होती है उसका जो सबसे बड़ा मेन जो डिसएडवांटेज होता है वो इसका वेट ही होता है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की हैवी बैटरियां बनती है तो उसको एक स्टेशनरी ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा सकता है, अगर मोबाइल ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं हो पाता है तो। तो ये जो बैटरी IIT मद्रास ने डेवलप की है ये हैवियर होगी या नहीं ये अभी फिलहाल प्रिज्यूम करना सही नहीं होगा क्योंकि जो इससे पहले आयरन बैटरीज हैवियर हुआ करती थी उनमें जो आपके कैथोड और एनोड है वो दोनों आयरन के हुआ करते थे। लेकिन IIT मद्रास यहाँ पे कैथोड को वैनेडियम ऑक्साइड के रूप में यूज कर रही है जिसे आप लोग पॉपुलरली वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भी कहते हो। और इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड और आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन दोनों रूपों में काम करने में सक्षम होते हैं ये। तो कुछ इस तरह के नए एलिमेंट और इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है कि जिसकी वजह से अभी इसके वेट पे बात करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो एक जनरल प्रोपोजिशन है उसमें जो भी आयरन बैटरीज होती है वो थोड़ी हैवियर होती है। तो इस अपडेट को लेकर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।